मैं मिस भी करता हूँ उस चीज को क्योंकि हम तीनों ने बहुत मेहनत की थी उस चीज के लिए लेकिन आ, रूम में बैठे हैं जितना टाइम भी हमारे पास ब्रेक है लेकिन बाहर जाके शूट तो करना ही है कब तक अवॉइड करेंगे एक्टर्स hey की लाइफ बहुत ही हेक्टिक होती है ऑलरेडी आपको बारह घंटे तेरह घंटे शूट करना पड़ता है so, I mean, बहुत मजा आ रहा है यार क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया था एंड आदत नहीं थी इतना ज्यादा लंबा घर पे बैठने की आई थिंक किसी को भी नहीं थी सब लोग जो भी काम करते हैं वेदर इट इज़ एक्टिंग जॉब या कोई और इंडस्ट्री के हैं बट वापस से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं बट येस काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे हम पहले किया करते थे खुल के किया करते थे अभी बहुत सारे प्रिकॉशन्स लेने पड़ते हैं एंड कभी कभी शूटिंग्स भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते आप एक जगह पे सो so ये कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको जिसके साथ हमें आ, काम करने में धीरे धीरे आदत हो रही है लेकिन अच्छा है आ, भलाई के लिए है लोगों की सेफ्टी के लिए जो कि लेना बहुत ज़रूरी है

बहुत अच्छा लगता है जैसे अभी इसी शो के लिए तेरी लाडली मैं का शूट चल रहा था एंड पता चला कि पास में ही ये रिश्ता का शूट भी चल रहा है सो so मैं उनके सेट पे गया मैं डायरेक्टर सर से मेरा मिला देन मोहसिन भाई आए देन शिवांगी आई उन सब से मिलना हुआ देन मोहसिन भाई मेरे सेट पे आए वो आके बैठे एंड बहुत अच्छा लगता है यार मतलब वो मेरे बड़े भाई की तरह है रियल लाइफ में भी कभी भी प्रॉब्लम होती है मैं उनसे पूछता हूँ एंड आई एम लकी कि वैसे बड़े भाई मुझे मिले और बहुत अच्छा लग रहा है वापस फिल्म सिटी में आकर क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट और हमारा सेट सिर्फ और सिर्फ दो मिनट की दूरी पे सो कभी भी मुझे गैप मिलता है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। अच्छा एक चीज पूछूंगा रेस्ट ऑफ आंसर देना नहीं देना दूंगा एक जी अलग ट्रेंड लाने वाले आप लोगों अलग अलग उसकी फैन अलग उसके व्यूज थे लेवल पे था करेक्ट करेक्ट, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल मानता हूँ यार मैं मिस भी करता हूँ उस चीज को क्योंकि हम तीनों ने बहुत मेहनत की थी उस चीज के लिए लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे तीनों का एग्री, एग्री होना बहुत जरूरी होता है लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ मजबूरियाँ होती हैं आपको आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ से एंड आई थिंक स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा था अभी भी लगता है कई बार क्योंकि लोग काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं इसका जवाब दे दे के मैं थक चुका हूँ बट लाइफ है यार लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं एंड अब डेढ़ दो साल हो गए उस बात को गए हुए मोहिना और मेरा पर्सनल चैनल भी चल चुका है हम लोग आ चुके हैं साथ में व्लॉग्स भी करते रहते हैं एंड अभी रिसेंटली मोहिना ने एक बहुत अच्छा व्लॉग शूट किया मेरे घर पे आके मुझे सरप्राइज़ किया जो उसके चैनल पर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सो यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है यार आगे बढ़ो एंड कुछ सीखते चलो आगे ऐसी गलतियां ना हो या जो भी है सब अच्छा कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं सब आगे बढ़े यार और क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम शूटिंग क्योंकि आ, एक्टर्स की लाइफ बहुत ही हैक्टिक होती है ऑलरेडी आपको 12 घंटे 13 घंटे शूट करना पड़ता है एवरीडे उसके बाद में जब आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो और ज्यादा हैक्टिक हो जाता है क्योंकि आपको हर चीज़ कैप्चर करनी है उसके बाद में अगर आप मेरी तरह खुद एडिट करते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम भी चाहिए होगा एंड अपलोडिंग के लिए आपको एक अच्छी स्पीड भी चाहिए होगी वाईफाई की जो सेट्स पे अक्सर नहीं मिलती आपको इधर उधर जा नेटवर्क ढूंढना पड़ता है या फिर वाईफाई है तो वेरी गुड तो आ, अगर आप मेरी पर्सनली पर्सनली मुझसे पूछें तो यार मेरे लिए काफ़ी टफ हो गया है क्योंकि जब से मैं ये शो स्टार्ट किया हूँ मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ अपने यूट्यूब पर मैं होना चाहता हूँ इनफैक्ट मैंने एक बिहाइंड द सीन्स व्लॉग भी डाला है अपने शो का जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है बट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बीइंग एन एक्टर क्योंकि आपको तेरह घंटे ये भी शूट करना है देन तीन चार घंटे अपना व्लॉग भी शूट करना है देन घंटे उसको एडिट भी करना है देन इफेक्ट्स भी लगाने, बहुत चीजें होती हैं तो हेक्टिक है लेकिन वो मुझे खुशी मिलती है वो करने में इसलिए करता रहता हूँ जी 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 करेक्ट करेक्ट बिट्टी ये एक्चुअली स्टार्टिंग में होता था क्योंकि जब अक्षत और बिट्टी मिले और पता लगता था कि यार ये कभी भी कुछ बोलती क्यों नहीं है और इनफैक्ट अक्षत ने ये चीज़ बोली भी है बिट्टी को कि यार बहुत हो गया आज तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है आज मैं बिना सुने नहीं जाऊँगा लेकिन जब बाद में सच पता चला एंड पूरी बिहाइंड द स्टोरी जो पता चली ऐसा ऐसा है उसके घर वाले मतलब उसकी मम्मी उम्मी तो सब सपोर्ट में उसके पापा नहीं पसंद करते ना वो चाहते थे ऐसा चाइल्ड बट मम्मी का इतना सपोर्ट है तो अक्षत काफ़ी अट्रैक्ट होता गया उसकी तरफ वो चाहे बोल नहीं सकती एंड वो एक थोड़े नीचे घर से है उतने उस उस अक्षत के स्टैंडर्ड की नहीं जैसा स्टैंडर्ड अक्षत का अक्षत का दिखाया गया एक बड़ा घर बढ़िया गाड़ियाँ और ये सब लेकिन स्टिल अक्षत इतना डाउन टू अर्थ है इतना सिंपल है कि उसको सादगी से प्यार है इसी वजह से वो बिट्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड आजकल तो कुछ अलग ही चल रहा है अक्षत की जो बहन है और बिट्टी का जो भाई है उनका चक्कर चल पड़ा है बहुत सारे कांड हो चुके हैं तो अब वो सब सुलझाने में लगे हुए हैं बिट्टी और मैं से हैं। जी 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 तो जी पे जी पे, जी तो समझ में आता ना कैसे बिल्कुल यार और मेरे साथ तो ये कोइंसिडेंस वाली बात है अभी जयपुर में रिसेंटली हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया था मेरे होम टाउन में और जो हमारे नेबर्स थे उनमें एक लड़की थी जो नहीं बोल पाती थी और ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही कुछ टाइम पहले की जब मैं ये शो साइन करने से आई थिंक दो तीन महीने पहले की बात होगी सो so, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था एंड मैं उनसे अच्छे से कन्वर्जेशन करता था एंड सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है उन लोगों में कभी ये नहीं होता कि यार हम बोल नहीं सकते वो उतने ही कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है हम सबको भी सीखना चाहिए लेकिन आई uh, थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कॉन्वर्जेस uh, में आके किसी की बात समझना सीखना एंड जब मैं उनसे बात करता था एंड मुझे पता चला दो महीने बाद मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ जिसमें एक हीरोइन है उन वो भी नहीं बोल पाती सो so, मुझे बहुत uh, ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ अचानक से मैंने इतना कॉन्वर्जेसन किया उनके साथ और वो चीज़ का फल मुझे शायद मिल रहा है लेकिन मैं प्रिपेयर था एंड बिट्टी स्पेशली बहुत डिफिकल्ट साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करती है वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करती है जो सबको समझ आ पाए सो आई थिंक वो काफ़ी सिंपल है समझना और मैं अब जनरली समझ जाता हूँ uh, मैं सीन कर करके इतना प्रो हो गया हूँ कि अगर मैं स्क्रिप्ट में नहीं भी पढ़ूँ कि बिट्टी की लाइन क्या है मैं फिर भी समझ जाता हूँ कि बिट्टी क्या बोलना चाह रही है शो की जी यार मौसम आई थिंक मुंबई में गर्मियाँ आ चुकी है काफ़ी गर्मी पड़ती है एंड कभी कभी तो जब हम आउटडोर करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर दिन के वक्त शूट करना रात को फिर भी थोड़ा ठीक है लेकिन दिन का जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो अभी कोशिश करते हैं कि एसी चलता रहे हम लोग रूम में बैठे हैं जितना टाइम भी हमारे पास ब्रेक है लेकिन बाहर जाके शूट तो करना ही है कब तक अवॉइड करेंगे